नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। जा रहे हैं और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए तो यूजफुल होंगे, इसके अलावा और भी अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सभी के लिए भी यूजफुल होंगे। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वो ये है, स्वदेश बांध समिति की स्थापना कहाँ की गई थी और किसने की थी। यानी आपको बताना है कि कहाँ की गई थी और किसने की थी। तो अगर हम देखें कि कहाँ की गई थी तो बरिसल में की गई थी और किसने की थी तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अगर हम बात करते हैं स्वदेश बांधव समिति की तो 1905 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। और अगर आप बात करते हैं 1905 की तो 1905 अपने आप में एक आइकॉनिक ईयर है क्योंकि उस समय स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था और ये जो स्वदेश बांध कमेटी है वो बेसिकली उसी से लिंक्ड है। उसी से लिंक्ड है मतलब कि अगर आप देखेंगे कि स्वदेश बांधव कमेटी की जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि किस तरह से हम स्वदेशी को अपनाएं और जो फॉरेन गुड्स यानी विदेशी सामान है उसे क्या कर सकें, बायकॉट कर सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के धीरे से अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना बरिसल में की थी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन है आपका अनुशूलन समिति के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि किसने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है और कहाँ किया है। तो अगर हम देखेंगे किसने किया है तो ज्ञानेंद्रनाथ बोस ने किया था और इसको किया था मिदनापुर में। मिदनापुर आपका बंगाल में सिचुएटेड है तो बंगाल में अनुशूलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्रनाथ बोस ने की थी और ये दो आर्म्स में था, बेसिकली एक ढाका में था और दूसरा आपका एक ढाका और दूसरा जो था आपका वो कलकत्ता था। इसके जो मेंबर्स थे वो स्वामी विवेकानंद के जो फिलोसफी आइडियल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि आपको इसमें गलत विकल्प को चुनना है। किसके, राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन यानी इस अधिवेशन की बात करनी है आपको, बतानी है जिसमें जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है जो 52 सेकंड्स में गाया जाता है और जिसे जो हमारे नोबेल लॉरिएंट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने लिखा है, तो वो पहली टाइम उसे संग किया गया था। तो अगर आप देखते हैं पहला स्टेटमेंट कहता है कि वो सेशन जो है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1911 में इसका आयोजन हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा इसकी अध्यक्षता जो है वो बिशन नारायण धर कर रहे थे, ये भी सही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और हमें इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, दैट इज़ ऑप्शन डी। इसके बाद हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर चार को अगर हम देखें तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इंडियन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था यानी एक सेशन हुआ था 1928 में जो कि कलकत्ता में हुआ था। आपको बताना है कि इसकी चेयरमैनशिप किसने की यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी। और दूसरा आपको ये बताना है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो क्या इसी सेशन में बनी थी, हाँ या ना। तो इन दो का जवाब देना है। तो अगर आपको पता हो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो 1938 में बनी थी, ठीक है, 1938 में हरिपुरा के सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, तो इससे यह पता चल जाता है कि 1928 के कलकत्ता सेशन में तो ये नहीं बनी हुई। तो नो आंसर आपका होगा यानी कि नहीं। तो दो ऑप्शन यहाँ से आपके एलिमिनेट हो गए। अब बात आती है कि इसकी जो चेयरमैनशिप यानी इसकी जो प्रेसिडेंट यानी इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू तो आपके 1929 के लाहौर सेशन में थे तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज़ मोतीलाल नेहरू, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा भारत माता समिति के ऊपर। भारत माता समिति कब यानी भारत माता समिति की जो स्थापना है वो कब की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि
इसी का सब पार्ट ये है कि भारत माता समिति का जब निर्माण हो रहा था तो इसमें कौन से ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो फाउंडेशन यानी इसको जो फाउंड किया गया था वो 1904 में किया गया था। तो इस बेसिस पे आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब इसके मेंबर कौन से पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से पार्टिसिपेट किए थे तो हम आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो पहला है जीएम चटर्जी, तो जीएम चटर्जी ने किया था, उसके नीलाकांत ब्रह्मचारी ने भी किया था, वांची अय्यर ने भी किया था, लेकिन जब हम वीवीसी अय्यर की बात करते हैं तो इन्होंने नहीं किया था। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प चुने, यानी कि आपको इसमें से गलत ऑप्शन चुनना है। आपके पास स्टेटमेंट्स हैं तीन और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि इसकी स्थापना बांकीपुर पटना में की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्टैब्लिशमेंट है वो कानपुर में, यानी इसको फाउंड किया गया था कानपुर में, इसकी स्थापना जो है वो कानपुर में की गई थी। और दूसरा है कि इसको 1924 में फाउंड किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए दिया गया है कि इनके मेकिंग में कुछ मेंबर्स ने पार्ट लिया था। तो पहला है कि आपका सचिंद्रनाथ सान्याल, दूसरा है जोगेश चंद्र चटर्जी, तीसरे हैं भगत सिंह और चौथे हैं उधम सिंह। तो ये चारों ही नाम सही हैं, इसलिए अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से रिलेटेड। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में जो है आपके सामने चार स्टेटमेंट्स हैं और इसमें से आपको गलत विकल्प यानी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि राज बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो 1924 में हुई थी। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी, ये बिल्कुल बात सही है। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए आपको यहाँ समझना होगा कि एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्टैब्लिशमेंट यानी जिसे फाउंड किया गया था 1924 में, कहाँ, कानपुर में। उसके बाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट दिल्ली में की थी, वो भी 1928 में। तो यहाँ हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि आपको इसमें चुनना है इनकरेक्ट, यानी कि गलत विकल्पों को आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1928 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो यहाँ कह रहा है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट सूरत में हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि इसकी स्टैब्लिशमेंट तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिपुरी सेशन से रिलेटेड। देखेंगे कि त्रिपुरी सेशन का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीज़न आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है गांधी और नेहरू के, सॉरी गांधी और आपको सुभाष चंद्र बोस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि त्रिपुरी सेशन जो है, जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि किसने कौन इसके प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे। और दूसरा कि गांधी जी किसे सपोर्ट कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि गांधी जी जो है वो पाटाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और बाद में सुभाष चंद्र बोस विक्ट्रियस हुए थे और इस इलेक्शन को इन्होंने जीता था। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इससे पहले 1938 में भी जो हरिपुरा का सेशन था उसे भी वो कर चुके हैं, जिसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना आयोग आया था। और अगर आप बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो उन्होंने त्रिपुरा सेशन में ही रिजाइन भी आगे चल के कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो भी अधिवेशन से रिलेटेड है। ये पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज जो अधिवेशन है, यानी जो रिजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज का, उसको कब प्रस्तावित किया गया था, यानी किस सेशन में किया गया था वो आपको बताना है। तो वो सेशन कहाँ हुआ था ये बताना है, और किस व्यक्ति ने उसे प्रिसाइड किया था, यानी कौन उनकी अध्यक्षता कर रहा था, ये आपको बताना है। तो अगर ये अब यहाँ पर देखते हैं तो ये जो सेशन हुआ था वो लाहौर का सेशन था, और किसने इसकी प्रेसिडेंसीप की थी, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 1929 में आपका हुआ था, लाहौर सेशन के नाम से ये प्रॉपरली नोन है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एसोसिएशंस को यहाँ पर मेंबर्स के साथ क्या किया जा रहा है, एसोसिएशंस को मेंबर्स के साथ मैच करना है। देखिए एसोसिएशंस दिए गए, मेंबर दिए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन यानी सही विकल्प आपको बताना है। पहला है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का कहा गया है विपिन बिहारी गांगुली, जो कि गलत है क्योंकि सूर्य सेन इसके थे। उसके बाद भारत नौजवान सभा के यहाँ पर सूर्य सेन दिया है, जो कि भगत सिंह होंगे। और यहाँ पर आत्म उन्नति समिति के विपिन बिहारी गांगुली। तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही स्टेटमेंट को अपने आप में इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं आर्य बांधव समाज, तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, यानी आपको क्रोनोलॉजी में जो है वो ऑर्डरिंग में सजाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सभी के क्या होने चाहिए, ईयर पता होने चाहिए। अगर आपको ईयर नहीं पता तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पहला है अविनव भारत सभा। अविनव भारत सभा जो है वो 1904 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी जो फाउंड की गई थी वो 1913 में की गई थी। भीकाजी मूवमेंट या भीकाजी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो वो 1902 में हुई थी, ठीक है, 1902। और भारत माता सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो 1907 में। तो अगर आपके पास ईयर्स आ चुके हैं, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो आपको दिखेगा पहले 3 आएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 2, यानी 3, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 13th नंबर है। ये क्वेश्चन आपका कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। देखिए कास्ट मूवमेंट वही पर्टिकुलरली कहाँ के, बंगाल के कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन ये है कि दो संगठनों के नाम दिए गए हैं। पहला संगठन का नाम है जाति निर्धारणी सभा और दूसरा है महिष्य समिति। तो महिष्य समिति और जाति निर्धारणी सभा जो है ये दोनों किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज कैवरतास आंदोलन। कैवरतास आंदोलन से ये रिलेटेड है। कैवरतास आंदोलन के बारे में आप जब पाला एम्पायर पढ़ेंगे, वहाँ पर जब आप वरेंद्रा रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी, यानी कि किसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। इससे पहले आपको शताब्दी का नॉलेज होना चाहिए कि शताब्दी का किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप 18 देख रहे हैं तो आप उसमें से एक माइनस करते हैं, तो 19 है तो एक माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 1800 और उसके बाद यहाँ से 1899 तक। तो ये आपकी शताब्दी निकालने का तरीका होता है। अगर आप अभी देखें तो अभी ये 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है। अब हम देखते हैं यहाँ वन बाय वन करके। पहला है आपका नादर महाजन संगम। अगर हम नादर महाजन संगम की बात करते हैं तो वो 1910 में हुआ था। फिर जाति निर्धनी सभा जो है वो आपका हुआ है 1897 में, ठीक है। उसके बाद है महिष्य समिति। महिष्य समिति जो है वो आपका हुआ है 1901 में। और नायर सर्विस सोसाइटी, नायर सर्विस सोसाइटी जो है वो आपका हुआ है 1914 में, ठीक है। ये तो आप यहाँ देखेंगे कि कौन सा इस पीरियड के बीच में लाई कर रहा है 1800 से 1899, तो आप देखेंगे जाति निर्धनी सभा, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है सी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर कैवरतास मूवमेंट में, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। कुछ आंदोलन दिए गए हैं आपको और उससे रिलेटेड जगह दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन जो है वो करेक्टली यानी सही विकल्प है इसमें से। अगर नायर आंदोलन की बात करें, नायर मूवमेंट की बात करें, वो केरला से रिलेटेड मद्रास किया इसलिए ये गलत है। दूसरा है कैवरतास मूवमेंट, अभी हम लोगों ने बात की कहाँ, बंगाल यानी मिदनापुर, तो ये वाला यहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है इसलिए ये भी गलत। जस्टिस पार्टी की बात करें तो ये मद्रास से रिलेटेड है इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है, आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको यहाँ पर ईयर्स पता होने चाहिए। देखिए सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि सत्यशोधक समाज जो है वो सत्यशोधक मूवमेंट जो है वो ज्योतिबाई फुले का वन ऑफ द लैंडमार्क मूवमेंट माना जाता है, तो ये 1873 में हुआ था। फिर अगर हम बात करते हैं अरवीपुरम आंदोलन की, तो अरवीपुरम आंदोलन जो है वो 1888 में। फिर नायर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 1891। और जस्टिस पार्टी मूवमेंट की बात करें तो 1916। तो आप देखेंगे कि अपने आप में ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है 1, 2, 3, 4। तो
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दें इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपके सामने फिर से आंदोलन है, बहुत सारे आपके सामने आंदोलन है और इस बार व्यक्ति हैं, जगह ना देके व्यक्ति दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में आपके सामने व्यक्ति का नाम है ई बी रामास्वामी नयकर, जो कि आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर हम देखें तो अरबीपुरम मूवमेंट दिया हुआ है। अरबीपुरम मूवमेंट में आपके सामने है सी एन मुदालियर जो है वो यहाँ पर आपके गलत है, क्योंकि हम जो अगर बात करते हैं अरबीपुरम मूवमेंट की तो वहाँ पर आते हैं नारायण धर्म परिपालन योगम जो है वो यहाँ आते हैं इसी कारण से, और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट ही, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी मूवमेंट को अगर देखें तो दलित वर्ग का जो मूवमेंट है डिप्रेस क्लास मूवमेंट माहरों के द्वारा जो हुआ था वो बी आर अम्बेडकर, ये सही है। और सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबाई फुले का, हम लोग ने लास्ट में भी डिस्कस किया 1873 में ये मूवमेंट आया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हमें यहाँ पर इन फिर से इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पर फिर से आपके सामने मूवमेंट्स हैं और इस बार आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन है, मूवमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अरबीपुरम मूवमेंट जो है वो श्री नारायण धर्म परिपालम युगम जो है, तो ये तो ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया। उसके बाद यहाँ पर जस्टिस पार्टी साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन से है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन अब यहाँ देखें ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे डिप्रेस्ड क्लास माहर मूवमेंट जो बी आर अम्बेडकर का था उसको लिंक किया गया यहाँ पर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग से, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बात करें ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो बेसिकली कांग्रेस हरिजन मूवमेंट्स से लिंक करता है, कांग्रेस हरिजन मूवमेंट से, तो इसीलिए ये वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कास्ट मूवमेंट दिया है। कास्ट मूवमेंट से आपको लगातार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। कास्ट मूवमेंट में बहुत सारे आपको फेमस पर्सनालिटी दिए गए हैं और आपको यहाँ पर जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके साथ तीन पर्सनालिटी का नाम दिया गया, आपको बताना है किस कास्ट मूवमेंट से वो लिंक्ड है। पहला है सी वी रमन पिल्लई, दूसरा है के रामकृष्णन पिल्लई और तीसरा है पद्मावत पिल्लई, ठीक है। ये तीन है तो आपको बताना है किस कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आपको अगर पता होगा हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया नायर मूवमेंट के बारे में, 1914 में हुआ था, केरला में हुआ था, इसी से ये तीनों लिंक्ड है, तो नायर आंदोलन जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिवॉल्यूशनरी से रिलेटेड है। आप देखेंगे 1922 में एग्जैक्टली हुआ क्या कि 1922 में चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वो होता है और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया जाता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जहां पर डिसकंटेंट होता है तो वो लोग फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उतर जाते हैं और उसके बाद इसके बाद का जो फेज़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी फेज के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। यहाँ पर एक इंसिडेंट का जिक्र है कि मुजफ्फरनगर के जो कलेक्टर थे उन्हें एसेसिनेट करने की यानी उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, उसके कोशिश के लिए उन्हें एक वर्ष की क्या की गई थी इम्प्रिजनमेंट, एक वर्ष की कैदी उनको दी गई थी। तो वो व्यक्ति कौन है, तो वो अरविंदो घोष हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अरविंदो घोष। हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा वी डी सावरकर से रिलेटेड है, ठीक है। वी डी सावरकर से हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वी डी सावरकर को जो लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है वो कितने बार दी गई है और अंडमान के जब जेल में वो गए थे तो उन्होंने कितने ईयर्स वहाँ पर बिताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 वर्ष हो जाएगा और 10 वर्ष और 2 बार उन्हें क्या किया गया है, जेल भेजा गया। देखिए उनको जेल किस लिए भेजा गया था, वी डी सावरकर को जो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑफेंसिव या प्रोवोकेटिव स्पीच यानी आक्रामक भाषण ये सब देने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। इसके अलावा जो है जो वेपन्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि आप इलीगली वेपन्स को नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के कारण उन्हें जो है वो 2 बार जेल और 10 वर्षों के लिए अंडमान जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन केसरी से रिलेटेड, बेसिकली जो बाल गंगाधर तिलक के पेपर केसरी से लिंक करता हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने कुछ ऐसे प्रोवोकेटिव आर्टिकल्स लिखे थे, कुछ ऐसे आक्रामक जो है वो आर्टिकल्स लिखे थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे आप देखेंगे कि रांडे को चेपकर ब्रदर्स ने किल कर दिया था, ठीक है। तो इस सभी के लिए उन्हें जो है वो जेल भेजा गया है। तो कितने बार भेजा गया, पहला और दूसरा जो है इसी में लिंक करता हुआ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें उन्हें जेल नहीं भेजा गया। तो आप यहाँ से लिंक करें
अगर हम थोड़ा अप्लाई कर पा रहे हैं नॉलेज कि यहाँ में से अगर एक ऑप्शन करेक्ट है तो तीन यानी कि आपके नहीं होंगे, तो तीन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो तीन बार जेल तो जरूर गए होंगे, क्योंकि अगर तीन ईयर्स कोई ना कोई करेक्ट अगर होते हैं तो तीन बार जेल, तो तीन बार जेल जाएंगे तो यहाँ थ्री थ्री ये तो सही हो जाएगा। तो इस बेसिस पर आपको अगर लॉजिकली सोचे तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है। अब तीन दिन तो आ गए, अब अगर आप देखेंगे तो 1903 में जो है वो जेल नहीं जाते हैं, क्योंकि सूरज स्पिल्ट आपका होता है 1907 में, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस जेल जाते हैं, और ये 1897 में वही चेपकर ब्रदर्स वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए वो गए थे, और बाद में सूरज स्पिल्ट के बाद 1902 और ये सारे में वो गए थे। अब बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके फेमस न्यूज़पेपर केसरी हैं, मराठा हैं, ठीक है, मराठा इंग्लिश में आता था, फिर वो गणपति फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन भी इंप्रिजनमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है वो जेल भेजा था, तो किस साल भेजा था और कितने वर्षों के लिए भेजा था। क्वेश्चन ये है कि किस साल भेजा था और कितने वर्षों के लिए भेजा था, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 1883 में उन्हें दो वर्षों के लिए भेजा है। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे 129 नंबर आर्टिकल के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आता है, और 215 में उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट के अंदर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अभी भी आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है कि इसमें बताना है कि कौन से ऐसे रिवोल्यूशनरी हैं जिन्हें 12 वर्ष की जेल दी गई थी कॉन्स्पिरेसी और सीडिशन के लिए 1931-1932 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी है दैट इज़ मानवेंद्रनाथ राय को यहाँ पर देखिए 12 वर्ष को इनको जेल हुई थी 1931-32 के पीरियड में, बट उसे फिर बाद में रिड्यूस करके 6 ईयर कर दी गई थी। इन्हें जो जेल है वो बेसिकली कॉन्स्पिरेसी सीडिशन यानी षड्यंत्र राजद्रोह के लिए इन्हें हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 25th नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए, उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्हें 6 वर्ष की उसी समय जेल हुई थी। ये बेसिकली यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर थी उसकी वजह से, क्योंकि ये भी यहाँ पर प्रोवोकेटिव आर्टिकल्स जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि कुछ आक्रामक आर्टिकल्स जो हैं आक्रामक लेख जो हैं वो प्रकाशित किया करते थे अपने न्यूज़पेपर में। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गांधी के साथ जेल हुई थी, तो उनका नाम है शंकरलाल बैंकर जो है वो यंग इंडिया के एक पब्लिशर भी थे, तो इसी कारण से आपके जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो गांधी का नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि गांधी का नहीं है। तो अगर आप देखें यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर है समाचार पत्र वो भी है, नवजीवन समाचार पत्र भी है, हरिजन समाचार पत्र भी है, लेकिन पहला जो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र है ना वो मोतीलाल नेहरू का है, और ये मोतीलाल नेहरू का अलाहाबाद बेस्ड जो पेपर है वो आता था समाचार पत्र 1919 के करीब में, तो इसी कारण से जो है ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एग्जाम में आप ध्यान दें, रीज़न है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो नॉट करेक्ट वाले बहुत सारे आते हुए क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी देखिए आपको इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, और इस बार आपको वंदे मातरम न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वंदे मातरम न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। पहला कि 1905 में से प्रकाशित किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अरविंदो घोष इसे प्रकाशित करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ये मराठी भाषा में आता था, जो कि गलत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपका आता था, तो इस कारण से, और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, वो भी आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको सभी के ईयर्स पता होने चाहिए। पहला न्यूज़पेपर इंडिया का अगर आप बात करें बंगाल गैजेट, तो वो 1780 में आया था। उसके बाद संवाद कौमदी जो न्यूज़पेपर है वो आपका 1819 में आया था। इसके बाद जो है रस्त गोफ्तर न्यूज़पेपर जो है वो आपका 1854 में आया था। उसके बाद सोम प्रकाश जो है वो आपका 1858 में आया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपका पहले हो जाएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, 1, 2, 3, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको बताना है कि हु एडिटेड द बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर, यानी जो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र है उसके संपादन कौन
करते थे, और ये कब प्रकाशित होता था, यानी दो क्वेश्चंस हैं, कब प्रकाशित होता था और कौन करते थे। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह मेहता किया करते थे इसका, और 1910 में, ठीक है, फिरोज शाह, फिरोज शाह में बहुत सारे लोग ऐप से लिखते हैं, चलता है वो, ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता इसे किया करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो है तहजीब उल अखलाक, जो एक पेपर है उससे रिलेटेड है। इसमें देखिए तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है। पहला है जो है कि ये पेपर जो है वो 1874 में प्रकाशित हुआ करता था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कि ये पर्शियन लैंग्वेज यानी फारसी भाषा में था, ये यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो पेपर थी वो अपने आप में उर्दू भाषा में थी, तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। और आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है कि सर सैयद अहमद इसे पब्लिश किया करते थे, जो कि बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी तो ठीक ही है, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि गांधी जी को आपको सभी को पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में, इरविन के समझाने के बाद, या गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि उससे पहले जो है कौन से सेशन ऐसा था जिसमें उन्हें नॉमिनेट किया गया था कि वो कांग्रेस को जाकर रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आपको पता होगा कि कांग्रेस ने पहला और तीसरा दोनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दिया था, यानी नहीं गए थे। तो आपको बताना है किस सेशन में ऐसा हुआ था, और दूसरा आपको ये बताना है कि वो सेशन प्रिसाइड कौन कर रहा था। तो आपको अगर ध्यान हो 1931 का टाइम, तो 1931 में आप देख रहे होंगे कि कराची में वो सेशन हुआ था, उसे कराची सेशन के नाम से जाना जाता, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे क्या कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा डी, दैट इज कराची एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें एक बार एग्जैक्टली होता क्या है कि मदन मोहन मालवीय को क्या किया जाता है प्रेसिडेंट के रूप में, यानी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, बट किसी कारणवश वो नहीं कर पाते, और उसके बाद वो जो सेशन है वो जो सेशन है उसकी अध्यक्षता जो है वो नीली सेन गुप्ता करते हैं। वो सेशन कौन सा था आपको बताना है, वो सेशन कहाँ हुआ था और उसका ईयर भी आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे कि वो सेशन आपका कलकत्ता में हुआ था और 1933 में वो सेशन आपका होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 1933 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेसिकली जो है वो भारत स्त्री मंडल से रिलेटेड है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, भारत स्त्री मंडल से रिलेटेड गलत विकल्प को आपको चुनना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये कलकत्ता में है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में की गई थी, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। और इसकी जो स्थापना है वो सरला बला देवी चौधरानी ने की थी, ये भी सही है। तो इसीलिए आपका जो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपका जो डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो निष्कम क्रमा मठ के बारे में है, निष्कम क्रमा मठ के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें सही है। देखिए इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि इसकी स्थापना जो है वो पुणे में की गई थी। और अगर आप देखते हैं इसकी स्थापना पुणे में की थी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1910 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो धुंधु केशव कारवे ने इसकी स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक करेक्शन आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 1913 में नहीं, इसका जो हुआ था वो 1910 में हुआ था, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, 1910 था एग्जैक्टली। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है पूना सेवा सदन से रिलेटेड है। आपको इसमें बताना है कि पूना सेवा सदन की जो स्थापना है वो किसने की थी, ठीक है। दो व्यक्तियों का नाम है वो आपको बताना है कि पूना सेवा सदन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, दैट इज जीके देवधर और रामाबाई रानदे। तो जीके देवधर और रानाबाई रानदे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इंडियन वुमेन एसोसिएशन जो है वो कब और कहाँ फाउंड किया गया था ये, और इसके बाद आपको ये भी बताना है कि किसने किया था, यानी इंडियन वुमेन एसोसिएशन का पहले आपको बताना है कब, फिर कहाँ, और उसके बाद किसने, यानी तीन है यहाँ पर, ईयर भी, फिर प्लेस भी, फिर पर्सन भी। तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसका जो एनी बेसेंट ने किया था, बेसिकली इसे जो है वो
एनी बेसेंट ने किया था और मद्रास में किया था, और 1917 में किया था। तो 1917 मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो है 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया है कि देखिए ये क्वेश्चन जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या कि आपका जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो फाउंडर मेंबर्स थे, आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो थे वो फाउंडर मेंबर नहीं थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो कहाँ पर फाउंड की गई थी। यानी दो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला है कि कौन इसके मेंबर नहीं थे, और दूसरा कि कहाँ इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वो पुणे में हुई थी। तो इस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से फाउंडर नहीं थे, तो अगर आपको ये पता होगी कौन कौन फाउंडिंग मेंबर थे तो उस बेसिस पर आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि जीजी अगरकर तो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, और ये ददोवा पांडुरंग इसके मेंबर नहीं थे। तो इस बेसिस पर आप आसानी से सी पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर और भी आप देखें तो एमजी रानाडे और वीजी छिपदोनकर जो थे ये भी इनके फाउंडिंग मेंबर थे। तो इस बेसिस पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है वो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए यहाँ पर हिंदी में सही दिया है, इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इसलिए इसको करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिकली सेवा सदन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो है वो आपका सेवा सदन से है, ठीक है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे इंग्लिश में, सेवा सदन से। और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें से गलत विकल्प आपको चुनना है। पहला ये दिया गया है कि इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1879 में की गई थी, ये गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 1885 में की गई थी। 1885 जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसी टाइम पर बॉम्बे में ही जो सेवा सदन है उसका भी यहाँ पर हुआ था। इस बेसिस पर देखें अगर आपको इनकरेक्ट पूछा गया था तो उस बेसिस पर आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसकी स्थापना जो है वो ब्रह्मजी एम मालाबारी ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन में देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह पे गलत है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहाँ सेवा सदन नहीं होगा, क्योंकि सेवा सदन तो ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे भारत श्रीमंडल नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन से रिलेटेड है, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन से रिलेटेड। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प दिया गया है वो गलत विकल्प है राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ये कि इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो यहाँ सारे क्या है करेक्ट है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा गया है कि बहुत सारे आपको प्लेसेस के नाम दिए गए हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर में क्या हो गए थे, विलीन हो गए थे, यानी ब्रिटिशर्स ने इसे एक्वायर कर लिया था या एनेक्स कर लिया था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें फर्स्ट यानी पहले पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में कौन सा मिल गया था। तो इसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, ईयर पता होनी चाहिए। जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध जो है वो ब्रिटिश ने एक्वायर किया था 1843 में। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम किया था 1861 में। और अगर आप भूटान की बात करते हैं तो भूटान किया था 1855 में। और अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर आपका 1891 में किया था। तो इस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा दिखेगा, सिंध। तो सिंध जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 41 नंबर, वो क्वेश्चन आपका है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि संगठन से रिलेटेड। आपको यहाँ बताना यह है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो 1875 में नहीं बना था, यानी उसकी स्थापना जो है वो 1875 में नहीं हुई थी। अगर आपको बताओ कि पहले हम लोग ने देखा था सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज बेसिकली ज्योति भाई फुले ने किया था, ये किया था 1873 में। बाकी अगर आप देखते हैं इंडियन लीग जो कि शिशिर कुमार घोष का है वो है 1875 का। इसके बाद आर्य समाज दयानंद सरस्वती का 1875 का, और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 का। और आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो उस बेसिस पर आपका ये सत्यशोधक समाज जो है वो हो जाएगा। यहाँ हिंदी में अगर आप देखेंगे तो हिंदी में आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सत्यशोधक समाज, इंग्लिश में आपका ए आंसर होगा, इसमें बी होगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, बट आप आंसर समझ चुके होंगे, क्योंकि सत्यशोधक समाज जो है 1873 में ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया था। बाकी आप इंडियन लीग की बात करते हैं, आर्य समाज की बात करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं, ये तीनों ही 1875 में बनी थी। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका देव
देव समाज से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें गलत विकल्प है, यानी कि देव समाज से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर गलत है। पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसकी स्थापना जो है वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने ही की थी। इसके बाद इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा कि इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो कि यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो लाहौर में हुई थी, ना कि कलकत्ता में। तो उस बेसिस पर और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाए। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नेमिंग में गड़बड़ हो गई, यहाँ ए होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था। ऐसे आप कॉन्टेक्स्ट समझ चुके होंगे कि इसका जो आंसर है वो सी होगा, या फिर अगर इंग्लिश के अनुसार बोले तो ए होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकरणी सभा से रिलेटेड। बहिष्कृत हितकरणी सभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको फाउंड किसने किया था, पहले तो आप मेंबर का नाम बताएं और किस ईयर में किया था। तो आपको पता होगा कि बहिष्कृत हितकरणी जो सभा है वो तो बी आर अम्बेडकर ने किया था, गांधी का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं आता, तो गांधी वाले ऑप्शन जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताना है ईयर, तो ईयर में आपका 1924 में जो है बहिष्कृत हितकरणी सभा बी आर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन है वो यहां पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका चौर विद्रोह से है, या चुआर विद्रोह आप कह सकते हैं। ये विद्रोह में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चुआर विद्रोह जो है वो किस प्लेस से स्टार्ट हुआ था, यानी कि किस स्थान से स्टार्ट हुआ था, यानी किस राज्य से स्टार्ट हुआ था। और दूसरा आपको बताना है कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट लीडर नहीं है, यानी अगर आपको चुआर अपराइजिंग से रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट लीडर्स पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए चुआर मूवमेंट जो है बेसिकली बंगाल से रिलेटेड है, तो उस बेसिस पर आप देखिए एग्जाम में क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेंगे, बंगाल बंगाल, तो यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट आपके हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके सामने ये होगा कि आपको पता होना चाहिए श्याम गंजन जो है वो इसके मेंबर थे या नहीं, तो इसके मेंबर थे, तो इस बेसिस पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें दुर्जन सिंह वो भी इसके मेंबर थे और माधव सिंह भी इसके मेंबर थे, तो ये तीनों ही इसके मेंबर थे और इसकी जो ये चुआर अपराइजिंग जो हुई थी वो बेसिकली बंगाल में हुई थी, तो इस बेसिस पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 45th नंबर, वो आपका कोल विद्रोह से रिलेटेड है, कोल म्यूटिनी से रिलेटेड है। आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें से कौन से जो है वो उसके इंपॉर्टेंट लीडर है, कौन कौन इसके इंपॉर्टेंट लीडर है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से जगह नहीं, ये नॉट आपको हमेशा ध्यान देना है, नहीं जो है वो आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कोल म्यूटिनी जो है वो किस प्लेस में नहीं हुई थी, आपको पता होगा कोल म्यूटिनी झारखंड से रिलेटेड है, छोटा नागपुर प्लेटू यानी छोटा नागपुर प्लाठार से रिलेटेड है। अगर यहां पर आप एक ऑप्शन में देखें रायपुर दिख जाएगा छत्तीसगढ़ वाला, तो यही यहां पर गलत है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है तो आप आसानी से इसमें आंसर को हिट कर देंगे। अदर देन दैट आप देखेंगे कि बूधो भगत जो है यहां पर वो इसके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, और बाकी अगर आप प्लेसेस देखेंगे रांची हजार बाग या फिर मानभूमि जो है, ये तीनों ही जगह पर आपको कोल म्यूटिनी यानी कोल विद्रोह देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका परमहंस मंडली से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन यानी गलत विकल्प आपको परमहंस मंडली से रिलेटेड आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि इसकी स्थापना जो है वो ददोदबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहताजी के द्वारा की गई थी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पर देखिए अगला जो ईयर दिया गया है वो एक ईयर आपको घटा दिया गया है, यानी कि इसकी स्थापना 1848 दी हुई है, जो कि गलत है, क्योंकि 1849 में हुआ थी, सिर्फ एक ईयर आपको कम कर लिया गया। बाकी अगर आप देखते हैं इसकी स्थापना तो बॉम्बे में ही की गई थी, तो ये बिल्कुल आपका सही है, और नन ऑफ दी अबव तो नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या इनकरेक्ट बताना था, आपको एक इनकरेक्ट मिल चुका है, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ए और सी में इंटरचेंज है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, आपने कॉन्टेक्स्ट समझ दिया, आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, सही विकल्प बताना है, कौन सा इसमें सही से मिला हुआ है। देखिए पहला अगर आप देखें बालिका विद्यालय दयानंद सरस्वती थे, तो यहीं पर ये गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बालिका विद्यालय जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले, ये बिल्कुल सही है, और ईस्ट इंडियन सोसाइटी जो है वो दादा भाई नरोजी के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन टू एंड थ्री, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन टू एंड थ्री जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगर आप देखें तो रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन है आपका, सुधार आंदोलन से क्वेश्चन है। सुधार आंदोलन से क्या क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से जो सुधार आंदोलन दिए गए हैं जो हिंदुओं का था उसमें आपको बताना है कि कौन सा पश्चिम भारत से नहीं है, यानी वेस्टर्न इंडिया से नहीं है आपको बताना है। देखिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसके थ्रू भी अगर आप आसानी से डील करना चाहें तो आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि आपने हम लोग ने डिस्कस किया कि सर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि ये तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। बाकी अगर आप देखें परमहंस मंडली को भी हम लोगों ने अभी ऊपर डील किया कि परमहंस मंडली बेसिकली आपका बॉम्बे से रिलेटेड है। इसके बाद सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फूले ये भी बॉम्बे से रिलेटेड, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये तीनों ही आप अगर देखें तो ये वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से एनालिसिस की ये चीज़ों को। तो ये आपका साउदर्न इंडिया से हो जाएगा, दक्षिण भारत से हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज आत्मसम्मान आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका रिफॉर्म मूवमेंट से, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जो कि आपका मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, यानी मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड आपका कौन सा सुधार आंदोलन नहीं है, यहाँ नहीं है आप ध्यान देंगे। तो अगर आप पहला देखते हैं वहाबी आंदोलन, तो ये सही है क्योंकि ये मुस्लिम से ही रिलेटेड था। अहमदिया आंदोलन भी आपका मुस्लिम से ही रिलेटेड था। फिर देवबंद भी आपका मुस्लिम से ही रिलेटेड था। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन को देखते हैं रहनुमाई मजदसाइन आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो ये आंदोलन आपका पारसी से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था आपका? पारसी से रिलेटेड था। तो इसीलिए आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी से या मुस्लिम समुदाय से कौन सा रिलेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से आपको इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प आपको चुनना है। आपको यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 1875 में इंडियन लीग को शिशिर कुमार घोष ने किया, बिल्कुल सही है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता किया गया, ये भी सही है। फिर उसके बाद 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये भी सही है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो आप अगर देखेंगे तो ये तीनों ही आपके सही है और आपको ढूंढना क्या है? गलत। तो यानी यहाँ सभी सही है, तो इसलिए आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज गोपाल दैट इज नन ऑफ दी एवॉफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक से है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये समझे कि देखिए पोर्टुगीज आए थे, हमें पता है वास्को डी गामा जो थे वो पहले जो थे जो भारत आए थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर जो आपको ट्रेडिंग स्टेशन पोर्टुगीज़ का देखने के लिए, यानी कि व्यापारिक केंद्र जो है वो आपको पुर्तगाली का देखने के लिए नहीं मिलता है। और दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि वास्को डिगामा जो है वो भारत दूसरी बार कब आए थे। देखिए पहली बार कब आए थे ये तो हमें पता है, पहली बार आपके आए थे 1498 में, ठीक है, वो भी अब्दुल माजिद की मदद से, एक गुजराती सेल पर्सन थे। लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दूसरी बार, तो दूसरी बार हमें पता है कि 1502 में आए थे, क्योंकि पहली बार आए थे उसके बाद उन्होंने 60 टाइम्स ज़्यादा मोर देन 60 टाइम्स आपका प्रॉफिट अर्न किया था। तो उसके बाद वो दूसरी बार जो है 1502 में आए थे। तो उस बेसिस पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो ही जा रहे हैं, कौन सा? बी और सी। अब आपको पता हो कैलिकट तो पहला ही उनका स्टेशन था, तो कैलकट तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। तो इस बेसिस पर आप देखेंगे तो चिनसूरा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया नहीं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि कैलिकट, कोचीन और कन्नौर, ये तीनों ही जगह पर आपको पोर्टुगीज़ के यानी पुर्तगाली के आपको व्यापारिक केंद्र देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि जो गोवा था बीजापुर रूलर, कौन से बीजापुर रूलर? आदिल शाहिस से कौन से पोर्टुगीज गवर्नर ने गोवा को कैप्चर किया था, ये आपको बताना है। और दूसरा, जब गोवा कैप्चर किया गया था तो उस समय लोधी डायनेस्टी के कौन से संस्थापक थे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस ईयर में किया गया था। तो 1510 में जो है गोवा को कैप्चर किया गया था, और ये गोवा को जो कैप्चर किया था वो अल्फेंसो डी अल्बाक्विर्क ने किया था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रीज़न है कि सिकंदर लोधी ही उस समय लोधी डायनेस्टी में थे, क्योंकि इब्राहिम लोधी तो बाद में आते हैं आपके। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस लोधी डायनेस्टी के टाइम पर किया गया था, तो आपके यहाँ पर सिकंदर लोधी हो जाएगा, जो कि 1510 के टाइम में, यानी गोवा के बीजापुर के जो रूलर थे आदिल शाहिज, उससे अल्फांसो डी अल्बुक्वर्क ने गोवा को कैप्चर किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि आपको बताना है यहाँ पर कि जो
किस पोर्टुगीज के टाइम पर, मतलब किस पोर्टुगीज गवर्नर, किस पुर्तगाली गवर्नर के शासनकाल के दौरान में दीव और बसीन जो है वो गुजरात के बहादुर शाह से ले लिया गया था, यानी अधिकृत कर लिया गया था, एक्वायर कर लिया गया था, ये आपको बताना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे जो कि भारत में आए थे, अल्फेंसो डी अल्बुक्वेर्क दूसरे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, इसके बाद अल्फेंसो डी अल्बुक्वेर्क ने बहुत सारी चीज़ें की थी, सती सिस्टम, भारत नेटिव से विवाह करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, फिर गोवा को भी एक्वायर किया था, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। और नीनो डी कुन्हा जो थे उन्होंने दियो और बसीन को बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे उनसे एक्वायर कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको ये बताना है कि सालसेट और बसेन, सालसेट और बसेन जो है वो मराठा से कब कैप्चर कर लिया गया था और पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी। आपको पता होगा कि पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पोर्टुगीज़ के टाइम पर आई थी, और वो कब आई थी तो आपका 1556 में आई थी, और इसे जो कैप्चर यानी कि इसे जो कैप्चर किया गया था वो आपका कैप्चर किया गया था 1739 में। आपका कैप्चर कब किया गया था 1739 में, तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी मराठा से जो सालसेट और बसेन को कैप्चर किया गया था 1739 में, और पहली प्रिंटिंग प्रेस जो कि पोर्टुगीज के टाइम पर यानी पोर्टुगीज़ के टाइम पर आई थी वो 1556। देखेंगे आप अगर पोर्टुगीज़ पुर्तगाली जब भारत आए थे तो बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर इन्वेंट हुई, जैसे कि अगर हम बात करें टोबैको यहाँ पर इन्वेंट हुआ, जैसे अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी यहाँ पर आया था। ठीक है, इसके बाद हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आपका स्टैब्लिश हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। और दूसरा कि डच इंडिया जब स्टैब्लिश हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई, फिर भारत आई तो उसने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली और कब खोली, यानी तीन क्वेश्चन का आपको एमलिगेशन देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो आपको पता होगा कि जो डच हैं उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, और कब खोली थी 1605 में, और ये कंपनी कब फॉर्म हुई थी 1602 में। तो ऑप्शन जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंच, तो फ्रेंच ने आपका 1668 में सूरत में आपका फर्स्ट फैक्ट्री खोला था। इस तरह से आपके होती हैं चीज़ें। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ नहीं खोली थी, यानी आपको बताना है कि डच की जो फैक्ट्री है वह कहाँ स्थापित नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला पुलिकट या चिंसूरा तो यहाँ पर खोली थी, काजिम बाजार और पटना यहाँ भी खोली थी। आपको ये बताना है कि पटना में डच ने कब अपनी फैक्ट्री खोली थी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है लास्ट ईयर। बालासोर और सूरत इस यहाँ पे भी खोली थी, तो यहाँ देखेंगे कि जो छह जगह दिए हुए वहाँ हर जगह पर डच की फैक्ट्री थी, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दी एवव हो जाएगा या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57th नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है कि पुलिकट के ऐसे कौन से प्रमुख थे जो कि भारत में डच गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं, उनका आपको ईयर बताना है कब उन्होंने किया था पहला, और दूसरा आपको ये बताना है कि जो फोर्ट आपका ग्रिल्डरा है वो किस स्थान पर था, यानी कि कौन से जगह पर कौन सी फैक्ट्री थी जो कि आपको फोर्ट ग्रिल्डरा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि पुलिकट में जो फैक्ट्री थी उसे हम फोर्ट ग्रिल्डरा के नाम से जानते हैं, और 1617 में पुलिकट के प्रमुख ने भारत में डच गवर्नर के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1617 ईस्वी और पुलिकट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है कि कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, हम सभी जानते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो हैं वो मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आए थे, तो आपको बताना है कि किस वर्ष आए थे, किस ईस्वी में आए थे, और आपको बताना है कि कहां पर वो अपना व्यापारिक यानी अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र वो खोलना चाह रहे थे, यानी दो क्वेश्चन आपको ईयर बताना है और आपको बताना है कि कहां पर उनकी व्यापारिक केंद्र जो है वो खुलने वाली थी। तो देखिए पहला जो व्यापारिक केंद्र है ब्रिटिशर्स का वो सूरत में ही खुला था, और कब आए थे वो 1609 में आए थे, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1609, और उसके बाद सूरत में। आप देखेंगे फ्रांस का भी जो पहला खुला था वो भी सूरत में ही आपका खुला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो सेम देखिए पिछले वाले क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये किया गया है कि जो ब्रिटिश का कारखाना था वो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित नहीं था पहला, और दूसरा आपको ये बताना है कि पहली जो फैक्ट्री सूरत में खुली थी इंग्लिश की यानी ब्रिटिशर्स की वो कब खुली थी, किस ईयर में खुली थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 1613 में जो है सूरत
में जो है इंग्लिश की फैक्ट्री खुली थी। और आप अगर देखते हैं यहाँ पर, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बालासोर जो है वहाँ पर आपको फैक्ट्री जो है ब्रिटिशर्स की देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि अहमदाबाद में भी आपको फैक्ट्री देखने के लिए मिलेगी, आगरा में भी देखने के लिए मिलेगी, और आपको बड़ौदा में भी देखने के लिए मिलेगी। तो उस बेसिस पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका एक और क्वेश्चन एडवेंट ऑफ यूरोपियन से ही है। यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। जैसे हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्वीन एलिजाबेथ वन ने जो चार्टर दिया था 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स मोनोपोली ट्रेड इन इंडिया, उसका जो चार्टर दिया था तो उसके अंतर्गत बना था, तो ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि फ्रांसीसी डे ने जो मद्रास है वो राजा चंद्रगिरी से ले लिया था, तो वो कब लिया था, यानी 2 ईयर बताने। पहले आप बता दीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा आप बताइए कि फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्षेत्र का प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि 1599 में जो है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो उस बेसिस पे दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अगर आप देखें, फ्रांसिस्की डे ने जो एक्वायर किया था मद्रास को, वो 1639 में किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन ये है कि 1690 में आपको बताना है कि जॉब चरनॉक ने एक इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्ट की थी 1690 में। आपको बताना है कि वो किस प्लेस पे स्टार्ट की थी, और दूसरा आपको बताना है कि डेन्स ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टार्ट की थी, यानी कि डेन्स ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब स्टार्ट की, और दूसरा कि आपको जॉब चरनॉक ने जो है वो अपनी अंग्रेजी खाना जो है वो किस स्थान पर खोला था। तो आपको पता होगा कि 1616 में जो है वो डेन्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्टार्ट की थी, और आपकी कहाँ स्टार्ट की थी, सुतानुती में स्टार्ट की थी। ठीक है, सुतानुती में जो जॉब चरनॉक ने 1690 में है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका मुगल एम्परर फर्रुख सियर से रिलेटेड। देखिए, मुगल जो एम्परर हैं, मुगल शासक या मुगल सम्राट फर्रुख सियर, आपको पता होगा कि उन्होंने एक फरमान जारी किया था जिसे मैग्ना काटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस फरमान में देखिए कस्टम फ्री जो ट्रेड है वो ब्रिटिशर्स को अलाउ किया गया था, ये सारी चीज़ें हैं। बट आपको यहाँ बताना है कि किस वर्ष ये फरमान जारी किया गया था, ये आप बताइए, और दूसरा कि इस फरमान के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने अपनी जो ऑफिसेस खोली थी वो बंगाल गुजरात में खोली थी, इसके अलावा जो तीसरा जगह है वो कहाँ पर खोला था। तो आपको पता होगा कि 1717 में जो है वो ये फरमान जारी किया गया था, और हैदराबाद में, बंगाल गुजरात और इसके अलावा हैदराबाद में जो है वो आपकी ये फैक्ट्री खुली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि डेन्स ने जो अपनी सेटलमेंट यानी जो अपनी बस्तियां जो है आपकी त्रांकुबर और सेरामपुर में जो खोली थी वो कब खोली थी, वेन, आपको ये बताना है, और दूसरा कि हेडक्वार्टर डेन्स का कहाँ था, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि सेरमापुर में ही आपका जो है डेन्स का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, और जो त्रांकुबर है वो 1620 और सेरमापुर 1676 में जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ यानी अपनी सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर बैठाई थी। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 64 नंबर है। यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रेंच ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो कब खोली थी, यानी अपनी जो स्थापित जो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री है वो भारत में कब स्थापित की थी और कहाँ की थी, ये आपको बताना है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए किसने की थी, कब नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने की थी, हु, ठीक है, किसने भारत में ये स्थापित की थी। तो देखिए मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि सूरत में की गई थी, 1668 में की गई थी। ठीक है, 1668 में, 1664 में वो आए थे, 1668 में उन्होंने की थी। और किसने पहले की थी, तो फ्रांसिसो मार्टिन ने की थी, फ्रेंकियोस मार्टिन ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब स्थापित हुई थी, और दूसरा कि फैक्ट्री कब खुली थी पहली। तो अभी हम लोग इतने देर से डिस्कस ही कर रहे हैं कि आपका सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में पहली आई थी, कब आई थी, 1668 में आई थी, और फैक्ट्री कब बनी थी, 1664 में आई थी। तो हम लोग काफ़ी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका यह है कि जो आपके फ्रांकिसो मार्टिन है उन्होंने पुडुचेरी की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है, ईयर की कब की थी, और दूसरा कि जो आपका चंद्रनगर है, चंद्रनगर वो
स्थान जो है वो कहाँ लोकेटेड? चंद्रनगर वो जगह है जो कि मुगल शासक सैस्ता खान से फ्रांसिस्को मार्टिन ने लिया था। तो चंद्रनगर जो है वो आपके कहाँ पर सिचुएटेड है? तो चंद्रनगर जो है वो आपका बंगाल में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? आपका बंगाल में सिचुएटेड है। और जो पुडुचेरी की स्टैब्लिशमेंट या फिर पुडुचेरी की स्थापना की हम बात करते हैं, तो पुडुचेरी की स्थापना जो है वो 1673 में फ्रांसिस्को मार्टिन के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि फ्रेंच की फैक्ट्री, अगर हम बात करते हैं फ्रेंच की फैक्ट्री जो है बहुत सारे स्थानों पे खुली थी, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको फ्रेंच की फैक्ट्री देखने के लिए मिलती है। तो देखिए माहे में आपको देखने के लिए मिलती है, बालासोर में भी देखने के लिए मिलती है, काजिम बाजार में भी देखने के लिए मिलती है और करियकल में भी देखने के लिए मिलती है। यानी ये चारों ही जगह पर आपको जो है फ्रेंच की फैक्ट्री देखने के लिए मिलती है। और पहली फैक्ट्री आपको सूरत में देखने के लिए मिलती है 1668 में। और ये जो कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो कब बनी थी? तो 1664 में। तो यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो हैं वो सही हैं, तो इसलिए आपके यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किस संधि में मद्रास जो है वो अंग्रेजों को वापस मिल गया था, यानी किस संधि के अंतर्गत, किस ट्रीटी के अंतर्गत जो है मद्रास जो है वो इंग्लिश को वापस मिल गया था, यानी अंग्रेजों को वापस मिल गया था। तो आपको पता होगा कि जो एक्सला चापेल की संधि है, ट्रीटी ऑफ एक्सले चापेल, इसके अंतर्गत मिली थी। ये ट्रीटी जो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि आपका 1740 से लेकर 1748 के बीच में चली थी, इसी के अंतर्गत ये ट्रीटी हुई थी। और जिसमें जो फ्रेंच से है वो मैड्रॉस जो है वो आपको इंग्लिश को वापस यानी अंग्रेजों को वापस मिल गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बैटल ऑफ अडियार से रिलेटेड है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि बैटल ऑफ अडियार जो है वो किनके बीच, यानी महफूज खान और किसके बीच लड़ा गया था और ये कब लड़ा गया था, यानी बैटल ऑफ अडियार जो है वो कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1746 में जो है वो आपका बैटल जो है वो लड़ा गया था 1746 में, और किसके बीच? फ्रेंच और महफूज खान के बीच। तो ऑप्शन जो है वो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंच और 1746। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बैटल है जो सेकंड कार्नेटिक वॉर के टाइम पर नहीं लड़ा गया था, यानी कि सेकंड कार्नेटिक वॉर के टाइम नहीं लड़ा। अब इसके लिए आपको क्या है, द्वितीय कार्नेटिक युद्ध का जो है वो आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। तो देखिए 1749 से लेकर यहाँ पर 1754 के बीच में जो है वो आपका हुआ था। तो इस बेसिस पर आपको यहाँ क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही क्लियर किया था कि बैटल ऑफ अडियार जो है वो 1746 में लड़ा गया। तो इस बेसिस पर आपको नॉट ही पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बैटल ऑफ अम्बूर की बात करते हैं, तो बैटल ऑफ अम्बूर जो है वो आपका 1749 में लड़ा गया था जो कि इसी टाइम पर है, और बैटल ऑफ आरकोट जो है वो आपका 1751 में लड़ा गया था 1751 में। और आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा बैटल है जो कि सेकंड कार्नेटिक वॉर के टाइम पर नहीं लड़ा गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें पता है कि जो मोहम्मद शाह हैं उनके टाइम पर मुर्शिद कुली खान ने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल की स्थापना की थी। तो आपको यहाँ बताना है कि गवर्नर जो है उन्हें गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया, पहला यही है। और दूसरा आपको ये बताना है कि उन्होंने कहाँ से अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करके जो है मुर्शिदाबाद, यानी अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद जो है ट्रांसफ़र कर लिया था, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 1705 में, 1705 में जो है मुर्शिद कुली खान को यहाँ पर गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद ढाका से, क्योंकि ढाका में था, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं कि बंगाल जो है अब यहाँ पे आगरा में तो होगा नहीं, तो उस बेसिस पर भी आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। वैसे ढाका से मुर्शिदाबाद जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी, यानी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की गई थी ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन ये है। देखिए हम सभी बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपका 1764 में हुआ था, और आपको पता होगा कि तीन फोर्सेस एक साथ अलाइड थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, फिर भी वो हार गई थी। और उसके बाद 1765 में जो है वो आपका ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि होती है। तो उसी पे आपके सामने क्वेश्चंस हैं तीन की, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो गलत विकल्प है, यानी इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है। देखिए पहला है कि 1765 में जो इसे साइन कर लिया गया था, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है 1765 में इसे साइन किया गया था। अगला ये है कि जो शाह आलम को फोर्स किया गया था कि वो दीवानी राइट बंगाल बिहार और बॉम्बे, बॉम्बे नहीं, यहीं पे यहाँ गड़बड़ हो गई, बॉम्बे नहीं, बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये तीनों की जो दीवानी राइट है वो
किसको, इंग्लिश को दे दी गई थी। और इसके अलावा लास्ट अगर देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा और अलाहाबाद शाह आलम को दिए गए थे, ये बिल्कुल सही है। तो आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा गया है, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो 73rd नंबर, ये क्वेश्चन जो है वो आपका बैटल ऑफ तालीगांव से रिलेटेड है और आपको पूछा जा रहा है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि गलत विकल्प आपको बताना है कि बैटल ऑफ तालीगांव से रिलेटेड कौन सा इसमें से जो है वो गलत विकल्प है। पहला आपको दिया गया है कि ये जो बैटल ऑफ तालीगांव है वो मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दिया गया है कि इस युद्ध से मराठों ने अंग्रेजों को हरा दिया था, ये भी सही है। और फिर इसके बाद दिया है कि इस युद्ध के दौरान जो है पुरंदर की संधि हुई थी, ये भी सही है। और आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ सालाबाई की संधि से रिलेटेड, आपको गलत विकल्प इसमें चुनना है। इसमें देखिए पहला ये है कि इस संधि में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस संधि में जो अंग्रेजों को मराठे के खतरे से 15 वर्षों की राहत दी गई थी, ये यहाँ गलत है, क्योंकि 15 वर्ष नहीं वो 20 वर्ष था। आप देखेंगे फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसके बाद 20 वर्षों के लिए था। फिर दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो है कि अंग्रेजों ने सालसेट को छोड़ के सभी मराठा प्रदेश जो है वापस दे दिए थे, बिल्कुल सही है ये। तो आपको इनकरेक्ट पूछा गया था, तो बी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, इसलिए बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आपका है वो पूछा गया, आपको एक बैटल के बारे में बताना है कि वो कौन सा बैटल था जो रणजीत सिंह मथिया और हैरी स्मिथ के बीच लड़ी गई थी, और वो बैटल कब लड़ी गई थी। तो आपको पता होगा कि वो बैटल जो थी वो बैटल ऑफ बुंदेलवाल, और 1846 में ये बैटल जो है वो लड़ी गई थी। तो बैटल ऑफ बुंदेलवाल जो है वो रणजीत सिंह मथिया और हैरी स्मिथ के बीच 1846 में लड़ी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिकली कि आपको पता होगा कि बर्मा को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था, तो वो किस वायस राय के शासनकाल में किया था, ये आपको बताना है। फिर मणिपुर को जब एनेक्स किया गया था तो उस समय कौन सा वायस राय का शासनकाल चल रहा था, ये आपको बताना है। यानी कि दोनों में आपको जो है वो वायस राय के शासनकाल बताने हैं, तो इसके लिए आपको ईयर पता होना चाहिए। देखिए बर्मा को जब एनेक्स किया गया था तो वो 1806 में किया गया था, थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर के बाद। और अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर को किया था 1891 में। तो 1886 में अगर आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, तो उस समय डफरिन थे, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। और 1891 के टाइम पर लॉर्ड लैंसडाउन थे, तो इसलिए ऑप्शन जो आपका डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेपाल का जब एनेक्स हो रहा था तो उस समय किस गवर्नर जनरल का शासनकाल चल रहा था। दूसरा आपसे ये पूछा गया कि जब सिंध को एनेक्स किया गया था तो उस समय किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था। तो आपको पता होगा कि 1816 में नेपाल को एनेक्स किया गया था, और सिंध को किया गया था, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा है इसे, 1843 में जो है वो सिंध को एनेक्स किया गया था। तो अगर आप बात करते हैं कि उस समय कौन थे, तो हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1816 में नेपाल के टाइम पर थे, और एलिंग ब्राउन जो थे वो सिंध के एनेक्सेशन यानी 1843 के टाइम थे। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है जब सिक्किम को एनेक्स किया गया था तो उस समय पर, इस बार ये नहीं पूछा गया आपसे कि गवर्नर जनरल कौन था या किस गवर्नर जनरल का शासनकाल चल रहा था या वायसराय का चल रहा था, आपको ये बताना है कि वो शासनकाल किसका था, यानी कि गवर्नर जनरल का था या फिर वो वायसराय का था, ये आपको बताना। दूसरा कि जब तिब्बत को एनेक्स किया गया था तो उस समय किस वायसराय का शासनकाल चल रहा था। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं सिक्किम को, तो सिक्किम को जब एनेक्स किया गया था वो 1861 में किया गया था, और 1861 में लॉर्ड कैनिन जो कि उस समय के वायस राय थे तो उन्होंने किया था। तो इस बेसिस पर आपके दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तिब्बत की, तो तिब्बत को जब कम्प्लीटली एनेक्स किया गया था वो 1903 में किया गया था, और आपको पता होगा कि जब पार्टीजन जो है बंगाल का हुआ था 1905 में, उस समय किसका टाइम चल रहा था, कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था। तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, वायस राय एंड लॉर्ड कर्जन। इसके बाद देखिए डेलीगेशन पे क्वेश्चन है, डेलीगेशन यानी शिष्टमंडल पे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस वायस राय के, मतलब जो लॉर्ड लैंसडाउन है उनके टाइम पर कौन सा डेलीगेशन आया था, ठीक है। पहला आपका है क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल,
क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल या क्रिक पैट्रिक डेलीगेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आया था कॉर्नवालिस के टाइम पर। मालकॉम डेलीगेशन की अगर बात करें तो ये वेलिसली के टाइम पर आया था। और डेविड स्टीन डेलीगेशन जो है वो लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पर आया था। और ये जो रॉबर्ट डेलीगेशन आपके सामने है, रॉबर्ट डेलीगेशन या रॉबर्ट शिष्टमंडल, ये आया था वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको बताना है कि कौन से ऐसे दो डेलीगेशन या कौन से ऐसे दो शिष्टमंडल हैं जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आए थे। देखिए यहाँ पर अगर आप डूरंट देखेंगे ना, तो डूरंट जो है वो आया था लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर। तो उस बेसिस पर आपका पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद यंग हस्बैंड और डेन, ये दोनों ही लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पर आए थे, लेकिन यहाँ पर डूरंट देखेंगे तो इस बेसिस पर ये एलिमिनेट हो गया। आइए जो आपका डॉक्टर अटल है, ये वाला आया था लिलिंथगो के टाइम पर। तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो दो किस्में मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि डेन भी आया था आपका, डेन शिष्टमंडल भी आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और यंग हस्बैंड भी आया था डेलीगेशन या यंग हस्बैंड शिष्टमंडल जो है वो भी कर्जन के टाइम पर आया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 81 नंबर, उसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा शिष्टमंडल जो है लॉर्ड मिंटो वन के टाइम नहीं आया था, लॉर्ड मिंटो के टाइम नहीं आया था। तो आपको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया एक क्वेश्चन में कि क्रिक पैट्रिक लॉरेंस, क्रिक पैट्रिक डेलीगेशन जो है, क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल जो है वो कॉर्नवालिस के टाइम पर आया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आप एलिफ्टन डेलीगेशन देखते हैं, मालकॉम डेलीगेशन देखते हैं या फिर डेविड स्टेन शिष्टमंडल देखते हैं, ये तीनों ही आपके लॉर्ड मिंटो के टाइम पर आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा डेलीगेशन 19 शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी में नहीं आया। शताब्दी का नॉलेज हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में दिया कि 1800 से लेकर 1899 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए पहला है डेविड स्टेन डेलीगेशन, तो आपको पता होगा डेविड स्टेन जो है वो 1809 में आया। फिर आपका आता है एलिफ्टन, तो एलिफ्टन आया है 1808 में। उसके बाद किर्क पैट्रिक जो डेलीगेशन है यानी शिष्टमंडल जो है वो आपका आया है 1787 में, और डूरंट वाला आया है 1893 में। तो उस बेसिस पे देखेंगे तो ये 1793 जो कि आपका 18th सेंचुरी हो गया, तो इस बेसिस पर ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 83rd नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है यानी कि सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर आपको सामने ईयर्स दिए गए हैं और एसोसिएशंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप पहला देखते हैं बंगा परीक्षा सभा, तो यही यहाँ पर क्या है, गलत है। रीज़न है कि 1836 में बंग भास परीक्षा सभा जो है 1836 में हुआ था। इसके अलावा जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी, ये दोनों ही 1938 में ही हुआ था। और आपसे पूछा क्या गया है सही विकल्प, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे है। इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, ईयर्स पता होने चाहिए। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जो है वो 1843 में बना था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1851 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1866 में। तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में पहले से ही क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, 1, 2 और 3। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है, जहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला आपका है पूना सार्वजनिक सभा। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पूना सार्वजनिक सभा है वो आपका हुआ था 1867 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो हुआ था 1885 में, और मद्रास महाजन सभा जो है वो 1884 में हुआ था, 84। तो आप देखेंगे कि 1, 3, 2, 1, 3, 2, तो 1, 3, 2 आपको किस में दिख रहा है, 1, 3, 2 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपके सामने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको बहुत सारे विद्रोह दिए गए हैं और आपको इनको ऑर्डर में सजाना है। पहला जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1844 में हुआ था। फिर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह जो है वो 1849 में हुआ था। उसके बाद अगर हम 37वीं की बात करें तो वो हुआ था 1850 में, और 37वीं जो हुआ था वो आपका हुआ था 1852 में, और आपकी 66वीं जो हुआ था वो 1850 में हुआ था।
तो अगर इस बेसिस पर आप अरेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 4 एंड 3 1 2 4 एंड 3 1 2 4 एंड 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है। इसमें देखिए आपको बहुत सारे विद्रोह दिए हुए हैं। तो पहला आपका जो विद्रोह है इसमें वो आपका है वेलोर म्यूटिनी। ठीक है, तो देखिए वेलोर म्यूटिनी की अगर बात करें तो वेलोर म्यूटिनी आपका 1806 में हुआ है। उसके बाद अगर हम म्यूटिनी ऑफ 47th इन्फेंट्री की बात करें तो वो हुआ है आपका 1824 में। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ गिरनेट कंपनी जो कि आसाम में हुई थी वो आपका हुआ था 1825 में, और म्यूटिनी ऑफ सोलपुर जो है वो 1833 में हुआ था। तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको सिंगफोर्स के विद्रोह के बारे में पूछा गया है। पूछा ये गया है कि सिंगफोर्स का विद्रोह कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है, और दूसरा इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें जो है आपको बता होगा कि आसाम बर्मा बॉर्डर पर ये सिंगफोर्स का रिबेलियन हुआ था, और किसने इसको लीड किया था, तो निरंगा फिंडू ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्रोह से रिलेटेड है। इसमें विद्रोह का डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया है, आपको बताना है ये रिवोल्ट कौन सा है, ये विद्रोह कौन सा है। एक ऐसा विद्रोह जो कि आपका ईस्टर्न गोदावरी रीजन में यानी आंध्र प्रदेश में हुआ, और उसे लीड किया था टोमासोरा और राजा अनंत्यार ने। तो ये कौन सा विद्रोह है, तो ये विद्रोह जो है वो कोया विद्रोह यानी कोया रिवोल्ट है। कोया रिवोल्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी रीजन में यह रिवोल्ट हुआ था, जिसे टोमासोरा और राजा अनंत्यार ने क्या क्या था, लीड किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला है कि इसमें हो मुंडा अपराइजिंग, हो मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र से हुआ था, ये बिल्कुल सही है। अब अगर आप कोली राइजिंग यानी कोली प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न घाट से हुआ था। संथाल रेवेलियन जो है राजा राजमहल हिल से हुआ था, और ये खासी अपराइजिंग जो है वो सिलहट यानी कि आपको पता होगा मेघालय वाला जो रीजन है, चेरापूंजी जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ वाला रीजन है ये। तो आप देखेंगे ये तीनों को आपको इंटरचेंज कर दिया गया और आपसे पूछा गया करेक्ट, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है जहां पर आपके सामने विद्रोह दिए गए हैं और आपको इसमें करेक्ट चुनना है, यहां पर्सन के साथ आपको मैच करना है। पहला अगर आप देखेंगे संथाल रेबेलियन, तो संथाल रेबेलियन जो है वो आपका सिंधु एंड काना से था, चेतुर सिंह दिया इसलिए गलत है। खोंड अपराइजिंग जो है चक्रा बिसोई से था, तो यहाँ पर सिंधु दिया है तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद रामसोई अपराइजिंग जो है वो चितूर सिंह से है। लास्ट अगर आप देखते हैं खांसी अपराइजिंग वो तीरथ सिंह, ये आपका करेक्ट है और आपसे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प बताना है। यहाँ पर विद्रोह दिए हुए हैं और कुछ जगह दिए हुए हैं। पहला ही अगर हम देखें नरकेल बेरिया अपराइजिंग, नरकेल बेरिया विद्रोह जो है ये दिया है बंगाल में कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बंगाल में हुआ था लेकिन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में नहीं, 24th प्रगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुआ था। बाकी अगर आप देखें पागलपंथी रिवोल्ट म्यामन सिंह डिस्ट्रिक्ट बंगाल, ये सही है। फर्जी रिवोल्ट फरदीदपुर ईस्ट बंगाल, ये भी सही है। और मोपला जो है वो मालाबार रीजन केरला, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाइका रिबेलियन के बारे में। इसमें पूछा गया है पाइका रिबेलियन कहाँ हुआ था, और दूसरा कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पाइका रिबेलियन को लीड नहीं किया था। तो देखिए पाइका रिबेलियन तो उड़ीसा में हुआ था, ये बात तो क्लियर है। तो इस बेसिस पर दो तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि किसने इसे लीड नहीं किया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन में आपके सामने है दीन बंधु संतरा, तो इन्होंने तो किया था। फिर मुकुंद देवा, इन्होंने भी किया था। और बख्शी जंग बंधु विद्याधर, इन्होंने भी किया था। लेकिन राव भरमाल जो है इन्होंने नहीं किया था लीड, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो शतावादी विद्रोह से है। आपको बताना है शतावादी विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, और दूसरा किसने इसका नेतृत्व नहीं किया था। तो देखिए ये जो हुआ था वो हुआ था नॉर्थ कोंकण कोस्ट में, ठीक है, नॉर्थ कोंकण कोस्ट में। तो दो ऑप्शन है, तो ए और सी एलिमिनेट हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सुबाना निकाम है इन्होंने भी लीड किया था, फिर दाजी लक्ष्मण इन्होंने भी किया था, और फोन संवाद जो है इन्होंने भी किया था।
लेकिन अगर आप देखते हैं धोरा बिसाई तो इन्होंने नहीं किया था, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ रहा है कि दो विद्रोह आपको बताना है जो कि सेम ईयर एक ही वर्ष में हुए हैं, तो इसके लिए आपको सभी के क्या ईयर पता होने चाहिए। अगर हम गडकरी रिवोल्ट के बारे में देखें तो गडकरी रिवोल्ट जो है वो आपका 1844 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नरकल बेरिया अपराइजिंग जो है वो आपका हुआ है 1831 में। ठीक है, उसके बाद अहोम रिवोल्ट जो है वो आपका हुआ है 1828 में, और आपका सूरत सॉल्ट एजिटेशन 1844, सूरत नमक विद्रोह 1844। तो आप देखेंगे 1844 दो रिवोल्ट हैं, एक गडकरी विद्रोह है और दूसरा सूरत नमक विद्रोह है। तो ये दोनों किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ये दोनों ही हैं, तो इसलिए आपका ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें बताना है आपको इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए पहला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड्स लैंसडाउन, तो ये सही है। दूसरा आपके सामने साइमन कमीशन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये गलत है क्योंकि इरविन के टाइम, लॉर्ड इरविन के टाइम ये आया था। इसके अलावा सारदा लॉ है लॉर्ड इरविन, ये भी सही है। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, बी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चुनना है, करेक्ट जो विकल्प है वो आपको चुनना है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पहला है सॉल्ट प्रैक्टिस प्रोहिबिशन लॉ, दिया हुआ है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का, और यहाँ पर आपको करेक्ट ही पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल सही है, जो सती प्रैक्टिस प्रोहिबिशन लॉ है वो विलियम बेंटिक ने ही लाया था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हैं हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट, जो कि हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो आया था आपका डलहौजी के टाइम पर, अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो लिलिथगो के टाइम पे आया था, और कैबिनेट मिशन जो है वो लॉर्ड वेवल के टाइम। तो यहाँ पर भी ये तीनों को क्या किया है, इंटरचेंज किया है, लेकिन आपको सही विकल्प बताना है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी उनके सत्याग्रह हैं और स्ट्राइक्स हैं उनके बारे में दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इनको मैच करना है जो भी करेक्ट है। देखिए चंपारण सत्याग्रह का दिया है फर्स्ट कोऑपरेशन, तो ये नहीं था, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस था, यानी चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगर अहमदा मिल हड़ताल की बात करें तो ये अपने आप में पहली भूख हड़ताल थी, और खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये पहला असहयोग आंदोलन था। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज रॉलेट सत्याग्रह, वो पहला मास स्ट्राइक था, यानी पहला जन हड़ताल था। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऑड, यानी एक तरह से आप कहें तो इसमें जो है वो इनकरेक्ट ही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरे अगर देखते हैं लॉन्च ऑफ सत्याग्रह 1916, ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1916 दिया, ये आपका गलत है क्योंकि 1918 में आपका ये हुआ था। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना, ये आपका 1916 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट यानी ऑड, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको सजाना है, तो इसमें आपको सभी के जो हैं वो ईयर्स पता होने चाहिए। जैसे मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद की बात करें तो ये हुआ था 1926 में। दीपावली घोषणा जो इरविन का है, दीपावली घोषणा वो 1929 में हुआ था। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1933 में हुआ था, और ऑल इंडिया किसान सभा की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1936 में हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो ये पहले से ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम लोगों ने आपका जो है वो पूरे ही 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। सो थैंक यू।